बिल जड़े ने लागू करन दियां केंद्र सरकार दियां कोशिशां जड़ियां ने वो जारी ने और बिल लागू हो भी चुके ने, पर किसान इन्हां बिलां नूं मनन नूं तैयार नहीं ने। मैं आपसे एक सिंपल सवाल करना चाहता हूँ। ये पूरे देश भर में कोरोना का जो संकट काल चल रहा था, पूरे देश भर में इसमें मजदूर किसान सड़कों पे पैदल चल रहा है, पूरा देश बंद है, इस समय सरकार की जिम्मेदारी क्या बनती है के वस्तु संशोधन अधिनियम 2020 जो 1955 पहले सरकार ने किया था कि भाई क्या होगा कि जितनी भी पूरे देश भर में पैदावार होगी कि इसमें क्या होगा कि एक व्यक्ति कोई भी इतना भंडारण करके नहीं रखेगा कि वो बाजार में उसके दाम बढ़ जाए, इसलिए सीमित मात्रा में थी। ये कानून क्या कहता है? ये कानून कहता है कि कोई भी व्यक्ति कितना भी भंडारण करके रख ले। अज पूरा एक साल हो चुके है तीन खेती कानूनों नू अध्यादेश यानी कि ऑर्डिनेंस के रूप के जो लैके आंदा गया सी केंद्र सरकार वालों, तो तस्वीर थोनों विखा रहे हैं कि वक् वक् जगहों के उत्ते नारेबाजी हो रही है और उस तीन काले कानूनों नू साड़िया जा रहा है। अज काले दिवस के रूप के आज का दिन मनाया जा रहा, पूरा एक साल हो चुका है। तो इस वक्त तुसी वेख सकते हो कि किन्नी चीख पुकार कर करके भारत के कोने कोने तो यह आवाज़ा उठ रही ने कि केंद्र दे खेती बिल असी लागू नहीं होने देंगे, पर किसी भी तरीके दे नाल कह लो कि धक्के नाल या किसी भी तरीके दे नाल ये बिल जड़े ने लागू करन दियां केंद्र सरकार दियां कोशिशां जड़ियां ने वो जारी ने और बिल लागू हो भी चुके ने, पर किसान इन्हां बिलां नूं मनन नूं तैयार नहीं ने। और ना सिर्फ किसान बल्कि जन जन की यह आवाज़ हले भी उस तरीके दे नाल बनी हुई है। तो गलबात कर लेंदे हैं, आज पूरा एक साल हो चुका है, किसान तो मांग कर ही रहे थे कि ये जो बिल हैं ये हमें नहीं चाहिए, पर अब जो आवाज़ आ रही है ये जन जन की आवाज़ बनती जा रही है। तो आप कैसे देखते हैं कि आप किस व्यवसाय से हैं? मैं, मेरे परिवार में खेती होती है, हम लोग खेती करते हैं और मैं शहर में रह के पढ़ता भी हूँ, खेती भी करता हूँ, दोनों काम। लेकिन आप जानते हैं आज के ही दिन जो मोदी सरकार जो तीन कृषि कानून लेकर आई थी खेती के अंदर, आज के दिन ये ड्राफ्ट बना था, तो इसने जो ऑल इंडिया खेत किसान मजदूर संगठन है और पूरे देश भर में इस कानून के खिलाफ में पूरे देश भर में प्रतियां जलाई गई थी। क्यों जलाई गई थी? क्योंकि आप लोग जानते जो किसान जो होता है, किसान केवल अपने लिए पैदावार नहीं करता, किसान पैदावार करता है पूरी दुनिया को खिलाने के लिए। लेकिन सरकार ने क्या किया, इस कानून को लाकर जो बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, मल्टीनेशनल जो कंपनियां हैं, उनको फायदे पहुंचाने के लिए ये कृषि कानून सरकार लेकर आई थी। आप इसका उदाहरण देख लीजिए, जब किसानों के पास जब अनाज होता है कभी महंगा नहीं होता, जैसे ही वो बड़ी बड़ी कंपनी की कोल्ड स्टोरेज में पहुँच जाता है तो आप देख लीजिए वही प्याज उसके दाम बढ़ जाते हैं। आज सरसों का तेल क्या भाव है? 200 रुपये लीटर। यानी इसका मतलब क्या है कि किसानों से सरसों खरीदेंगे कितने? 2000, 3000, 4000, 5000, वही सरसों का तेल जो है वो 200 रुपये किलो बेचेंगे। प्याज किसानों से खरीदते हैं 1 रुपये किलो, 98 रुपये किलो, वही प्याज जब बड़ी बड़ी कोल्ड स्टोरेज में पहुंच जाती है तो यानी वो मुनाफा कमाने की वस्तु में तब्दील हो जाती है। इसलिए मोदी सरकार भी क्या कर रही है, जो खेती जो है, आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं कि जो अध्यादेश यानी कि ऑर्डिनेंस है, ऑर्डिनेंस कहते तब लेके आए जाते हैं जब बहुत ज़रूरी कोई आपदा आ गई हो या बहुत ज़रूरी कोई काम हो तब ऑर्डिनेंस पास होता है। तो मोदी सरकार कह रही थी कि हम
किसानों की आय दुगनी करना चाहते हैं, तो इतनी उनको मतलब कि जल्दबाजी थी कि किसानों की आय दुगनी होनी चाहिए, तो आपको क्या लगता है कि आपकी आयु जो है, आप कह रहे हैं कि आप खेती करते हैं, आपकी आयु दुगनी हुई कि नहीं हुई? मैं आपसे एक सिंपल सवाल करना चाहता हूँ। ये पूरे देश भर में कोरोना का जो संकट काल चल रहा था, पूरे देश भर में इसमें मजदूर किसान सड़कों पर पैदल चल रहे हैं, पूरा देश बंद है। इस समय सरकार की जिम्मेदारी क्या बनती है? इस पूरे देश में सरकार जनता को कैसे राहत पहुंचाए? ये कानून बनता है उसका कि कैसे करना चाहिए, लेकिन इसमें सरकार को क्या सूझी कि हम किसान का फायदा करेंगे? ये किसान का फायदा नहीं है, क्योंकि सभी लोग कमरे के अंदर बंद रहेंगे। और मोदी सरकार ये काला कानून जो लेकर आई है, क्योंकि इस समय कोई विरोध नहीं करेगा किसान, इसलिए इस समय ये बिल लेकर आए। मैं आपसे पूछता हूँ, अगर हमारे घर में अगर कोई शांत हो जाता है, किसी की डेथ हो जाती है, तो हम शादी की खुशियाँ नहीं मनाते? हम पहले उस समय का जो माहौल होता है, हम उसको ठीक करने का प्रयास करते हैं। हमारे घर में जो संकट है, उस संकट को मिटाने का काम करते हैं, ना कि हम खुशियाँ मनाते हैं। ये केवल किसानों की आड़ लेकर के किसानों की फसल दुगनी करेंगे, इसकी आड़ लेकर ये कानून लाकर इन्होंने एक्चुअल करा क्या है? इन्होंने बड़ी बड़ी कंपनियों की आय दुगनी करी है, ना कि किसान की आय दुगनी करी है। आप खुद सोच के देखिए, जो किसान पूरे देश का पेट भरता है, आज उसी का बच्चा आज भूख से क्यों तड़प के मर रहा है? उसी के बच्चे के लिए इलाज क्यों नहीं है? आज उसी के बच्चा आज अपन देख रहे हैं स्कूल में पढ़ाई नहीं है, क्यों? क्योंकि सीधा सीधा मतलब है कि जितना भी जो पैदावार होगी वो बड़ी बड़ी कंपनियों को फायदे के लिए होगी। आप देखिए, आलू का एक चिप्स जो होता है, आलू से किसान को क्या भाव खरीदते हैं? 1 रुपये किलो, 2 रुपये किलो, 5 रुपये किलो। एक आलू की कीमत जो पैकेट में भरकर कितने रुपए कमाते, मैं कह रहा हूँ 10 ग्राम भी नहीं होगा। एक आलू का 10 रुपये का पैकेट होता है, तो वहाँ क्या भाव पड़ गया, आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए। इससे किसान का फायदा होगा कि मल्टीनेशनल का फायदा होगा? इसलिए एक क्या कर रहा है, जो कानून जो लेकर आए, इसमें एक कानून है कि वस्तु संशोधन अधिनियम 2020 जो 1955 पहले सरकार ने किया था, कि भाई क्या होगा कि जितनी भी पूरे देश भर में पैदावार होगी, कि इसमें क्या होगा कि एक व्यक्ति कोई भी इतना भंडारण करके नहीं रखेगा कि वो बाजार में उसके दाम बढ़ जाए, इसलिए एक सीमित मात्रा में थी। ये कानून क्या कहता है? ये कानून कहता है कि कोई भी व्यक्ति कितना भी भंडारण करके रख ले, तो आप जानते हैं किसान तो भंडारण करके नहीं रह सकता है, कितना रखेगा खाने के लिए? भैया परिवार में 10 लोग हैं, तो भैया 1 क्विंटल के हिसाब से मान लो 10 क्विंटल रख लेगा। भैया बीज बोना है उसको, मान लो भैया 5 क्विंटल बीज का मान लो, या मान लो भैया नमक मिर्ची और के लिए 5 क्विंटल और मान लो, ऐसे करके भाई 20 क्विंटल मान लो, 30 क्विंटल मान लो। लेकिन किसान इससे ज़्यादा भर्ती नहीं करता है, इससे ज़्यादा भंडारण नहीं करता है, लेकिन भंडारण कौन करेगा? नाम ले रहा है कि किसान को हमने आज़ाद कर दिया, बल्कि किसान की आड़ में बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों को उन्होंने आज़ादी दे दी कि कितना भी आप भंडारण कर लो। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण, पूरे देश भर में अगर मान लो अडानी ने अगर पूरे देश का गेहूं खरीद कर रख लिया, सिर्फ उसी के पास गेहूं है, उसकी मर्जी होगी उस भाव में वो बेचेगा, तो आप सोचिए ये किसान की आज़ादी हुई या कॉरपोरेट की आज़ादी हुई? आप खुद बताइए मेरे को। लेकिन रिलायंस का जो पहले बात होती थी, जो किसान कहते थे, दोष लगाते थे कि कॉरपोरेट हमें हमारे ऊपर कब्जा करना चाहता है, तो रिलायंस कंपनी से भी एक आवाज़ आई थी कि हम तो किसानों की भलाई चाहते हैं, हम तो कभी नहीं चाहते कि उनका बुरा हो, तो आप क्या लगता है कि वो अंदर की मंशा क्या है? देखिए ऐसा उन्होंने बोला है कि हम तो किसानों का भला ही चाहते हैं। देखिए उन्होंने कितना भला चाहा है, आज पेट्रोल के दाम कितने हैं, कितने हैं? 100 रुपये से पार पहुंच गए। क्या पेट्रोल के दाम बढ़ने से किसान का भला होगा? जो वस्तु साबुन तो हम जानते हैं कितने रुपए की पड़ती होगी उनको, अठन्नी की 1 रुपये की पड़ती होगी, लेकिन बेचते कितने हैं? 20 रुपये की, 25 रुपये की, तो फ़ायदा किसको होता है? ऐसे ही प्याज किसान से 1 रुपये खरीदते हैं और बेचते हैं, बोई रिलायंस उसी पे चमक लगा गया, अच्छे कोल्ड स्टोर में रख के उसी को महंगे दाम पे बेचते। यहीं पर जब मैं मध्य प्रदेश में था, यहाँ पर किसी साथी ने, किसान सिख भाई ने मुझे बताया था कि एक गोभी वो लेकर आए थे मॉल से, आपने भी वो वीडियो काफ़ी देखा होगा, आधी किलो का गोभी का फूल, जो बंद गोभी का फूल, वो 300 रुपये का था आधी किलो का। तो भैया इसमें किस रिलायंस कैसे फ़ायदा पहुँचा रहा है, आधी किलो 300 रुपये का देकर किसान को फ़ायदा पहुँचा रहा है? नहीं पहुंचा रहा। इसमें एक चीज़ समझना पड़ेगा, ये जो वर्तमान समाज है, ये समाज दो वर्गों में बैठा है, एक है आम गरीब जनता, दूसरी तरफ है बड़े बड़े टाटा बिरला अडानी, बड़े बड़े पूंजीपति। वो क्या चाह रहे हैं कि जितनी भी जो सरकारें हैं, अभी हम देख रहे हैं कि जितनी भी सरकार आई हैं आज़ादी आंदोलन से अभी तक,
सिर्फ बड़े बड़े पूंजीपतियों का हित किया, ना कि आम मजदूर किसानों का। आप देख लीजिए कैसे कि आज वर्तमान में जितनी भी नीति बनाई जा रही हैं सब पूरी कॉरपोरेट के हित में बनाई जा रही हैं। आप देखिए आज वर्तमान में आलू का प्याज तमाम चीज़ों की जो महंगाई जो बढ़ रही है, महंगाई बढ़ने से जनता को फायदा होता है क्या? आप खुद बताइए। आज वर्तमान में मैं देख रहा हूँ, तो कई बार मैंने यहाँ पे भी देखा है, लोग सड़कों पे फुटपाथ पे जीवन जी रहे हैं, 200 रुपये लीटर में तेल खा पाएंगे? कभी नहीं खा पाएंगे। लेकिन आज सरकार कोई भी हो, जैसे एक बोलती क्यों नहीं, जो अभी जैसे आपने पेट्रोल की बात की, तो पेट्रोल तो ना सिर्फ किसान खपत करता है बल्कि आम इंसान जो भारत का नागरिक है, बच्चा बच्चा जो बाइक यूज़ करता है, 18 साल का नौजवान जो बाइक चलाने के काबिल हो जाता है, व्हीकल चलाने के काबिल हो जाता है, हर एक जो है वर्ग वो पेट्रोल या डीजल इस्तेमाल कर रहा है किसी न किसी तरीके से। तो आपको क्या लगता है कि आवाज़ क्यों नहीं उठती है फिर? देखिए मैं भी मध्य प्रदेश में जहाँ पर रहता हूँ और मैंने सभी जगह देखा, सब लोग आंदोलन उठा रहे हैं, सब लोग अपनी डिमांड उठा रहे हैं, लेकिन आप तो जानते हैं ना, काफ़ी लंबे समय से जब से मोदी सरकार आई है, जो मीडिया भी जो है, मीडिया भी एक प्रकार से सत्ता के तलवे चाटने वाली गुलाम बन गई है। जैसे जिस प्रकार से सत्ता पक्ष का जो हित उनको दिखाई देता है, सत्ता पक्ष की अच्छाइयाँ अकेले दिखाते हैं, लेकिन जनता का जो जनता के साथ गलत हो रहा है, जनता के साथ जो महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, वो वर्तमान में मीडिया बहुत कम जनता का विरोध दिखा रही है। हम लोग यहाँ पर बैठे सिंघू बॉर्डर पे, पूरे चारों तरफ से जो आंदोलन उठ रहे हैं उनकी मीडिया कितने तरीके से कवर कर रही है, आप बताइए मेरे को, क्या ये विरोध नहीं है? अभी मैं बताऊँ, कल की एक रिसेंट है, मध्य प्रदेश में एक साथ 3000 डॉक्टरों ने इस्तीफा लिख कर दिया है। बिल्कुल ये खबर आई, ये खबर आई, लेकिन बहुत सारे मीडिया वाले इसको पचा गए। मैंने सोशल मीडिया पे इसको देखा, मेरे एक दोस्त हैं, उनसे मैं बात करी भोपाल में, लेकिन देख रहे हैं वो क्या मांग कर रहे हैं डॉक्टर, कि भाई आप अधिक से अधिक संख्या में आप डॉक्टरों की भर्ती करो आप, जिससे भी जो कोरोना का जो संकट फैल रहा है उससे बचा सके। लेकिन सरकार क्या कर रही है, ना तो डॉक्टरों की भर्ती कर रही है, और जो जगह जगह पद खाली पड़े तो संकट तो पैदा होगा भाई। और ये क्या सरकार क्या कर रही है, अपनी गलती छुपाने के लिए पूरे 2 डॉक्टरों पर 200 रुपये मर रही है, आप जान रहे हैं। और आप देख लीजिए आज मैं पूरे देश भर के अंदर इस कानून की प्रतियां जल रही हैं, पूरे देश भर के अंदर। आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? एक तरफ तो कहा जाता है कि ये हमारे कोरोना वॉरियर हैं, जो डॉक्टर्स को कहा जाता है, नर्सिस को कहा जाता है, और दूसरी तरफ ही एक तरीके से ऐसा विरोधाभास भी है, ऐसी आवाज़ें उठ रही हैं, खुद डॉक्टर उठा रहे हैं। देखिए हमारा जो डॉक्टर जो होता है, एक प्रकार से बोला जाए कि वो भगवान का दूसरा रूप होता है, वो पूरी मानव जाति के लिए वो सोचता है कि मैं कितनी सेवा कर सकूं, मैं उसको इलाज देकर, मैं उसको दवाई देकर उसको मैं एक जिंदा रख सकूं, एक बेहतर इंसान में एक बना पाए, ये उसका मकसद होता है। लेकिन आज वर्तमान सरकार ने क्या कर दिया है, शिक्षा का मतलब, चिकित्सा का शिक्षा का मतलब क्या कर दिया, उन्होंने व्यवसाय कर दिया। आज आप देख लीजिए MBBS की डिग्री, मेडिकल फील्ड के जो बच्चा एजुकेशन लेने जाता है उसकी करोड़ों डोनेशन कैपिटेशन फीस लगती है। आप सोच के देख लीजिए, जब करोड़ों रुपये डोनेशन कैपिटेशन फीस लगेगी तो आप सोचिए जो डॉक्टर बन के निकलेगा उसकी मानसिकता क्या रहेगी, उसकी मानसिकता ये रहेगी कि मैक्सिमम हम पैसे कमाएं, ये रहेगा। जबकि सरकार का उद्देश्य क्या होना चाहिए कि मेडिकल की जो पढ़ाई है सभी को फ्री होना चाहिए, जिससे जो डॉक्टर निकलेगा पूरा उसका पहला काम होगा कि देश के लिए पूरा वो काम करेगा। लेकिन हमारी सरकार क्या कर रही है, एक तरफ तो फीस बढ़ा रही है और दूसरी तरफ उनसे उम्मीद कर रही है कि एक डॉक्टर पूरा करोड़ों रुपए देकर जो डिग्री ले रहा है लेकिन फ्री में काम करे। तो आप कैसे देखते हैं, अभी डॉक्टर्स की बात कर ली, शिक्षा की बात कर ली, किसान वो सड़कों पे आए हुए हैं, रेलवे स्टेशन की बात कर रहे हैं, रेलवे बिक रही हैं, एयरपोर्ट बिक रहे हैं, तो हमारा देश जा किधर रहा है? किसान जिसने पैदा करना था, जो अनाज पैदा करना था, सारे देश का जो पेट भरता है, वो सड़कों पर आया हुआ है, तो हमारा देश जा किधर रहा है? आप इस पिक्चर को कैसे देखते हैं? एक चीज़ मैं समझता हूँ कि जब से ये मोदी सरकार आई है तब से इसने एक नारा दिया था कि सबका साथ सबका विकास, इसके पीछे आपको समझना पड़ेगा। इन्होंने क्या बोला, ये नारा तो दिया सबका साथ सबका विकास, लेकिन आप देखिए कि इन्होंने कृषि कानून जो लेकर आए, आप उसको उससे ही अंदाज़ा लग गया होगा कि सरकार एक साथ किसानों से जो ज़मीन कॉरपोरेट के हवाले कर किसान का भी विकास एक साथ कर देगी और कॉरपोरेट का भी विकास एक साथ कर देगी, कैसा संभव है? जैसे एक उदाहरण सिंपल मान लीजिए मैं विकलांग हूँ, ये भाई हट्टे कट्टे हैं, अब ये बोलना है कि हम दोनों का बराबर हैं, भाई आप दोनों दौड़ लगा जो जीतेगा हम उसको इनाम देंगे,
तो मैं आपसे खुद गुजारिश चाहूँगा कि एक आदमी विकलांग है, एक हस्तपुष्ट है, कौन आगे निकलेगा? आपसे पूछ रहा हूँ। बिल्कुल, जो फिजिकली फिट है वर्तमान में कर रही है कि एक तरफ बड़े बड़े जो टाटा बिरला अडानी जो गोइंग का है, एक तरफ बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, एक तरफ किसान रहेगा। आप देखिए बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल का किसान कैसे फाइट कर पाएगा? कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। आप सोच रहे हैं उनकी चाल क्या है कि किसान अपनी ज़मीन को कैसे ना कैसे पूंजीपति के हवाले वो कर दे, वो पूंजीपति जिस प्रकार चाहे। उनको ज़रूरत है कि भाई हमको है ना कपास उगवाना है, उनको ज़रूरत है हमको आलू उगवाना है, उनकी ज़रूरत उनकी मार्केट के आधार पर किसान उगाए, ये उनकी मंशा है, उनका मार्केट चले, उन्हें किसान के कोई मतलब नहीं है कि किसान का भला हो। ये कानून सरासर किसान विरोधी है, आम जनता विरोधी है, और वर्तमान की महंगाई से आपको अंदाज़ा लग ही गया होगा। अभी तो ये पूरे कानून पूर्ण रूप से पास नहीं हुए, पूर्ण रूप से मतलब लागू नहीं हुए, तभी हम इतनी महंगाई देख रहे हैं। जब ये पूरा लागू हो जाएगा तो आप देखिए आम जनता तड़प तड़प के मरेगी भूख से, लेकिन आप देख रहे हैं कि हम लोग हमारे पास एक ही चारा है कि इस गलत के खिलाफ में अपनी जान की बाजी लगा कर भी इस गलत के खिलाफ आवाज़ उठाना है। जैसे भगत सिंह ने बोला था कि पिस्तौल और बम पे इनकलाब नहीं लाते, इनकलाब की तलवार बेचारों की शान पे तेज होती है। तो हम लोग यहाँ पर जो सिंधु बॉर्डर पे और यहाँ पर चारों बॉर्डर पर जो लगातार जो एक बेचारों का आदान प्रदान हो रहा है, ये क्यों कहलाता है कि इस गलत नीति के खिलाफ में एक होके अपनी आवाज़ को बुलंद करें, और किसान ये हक ले के रहेंगे, जीत के रहेंगे, यही आज का एक मूल मंत्र है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों खेती बचाओ कारपोरेट भगाओ ये नारा दे रहे हैं। सोचने वाली गल है कि आखिर क्यों किसानों ने नौबत आ गई कि कारपोरेटा भजाने की गल की जा रही है। हालांकि वो भी साडे देश दे विच कारोबार करते हैं, पर इन्ना सताया जा चुका है किसान के थक हार के आखिर दे विच कह रहा कि कारपोरेट भगाओ तो खेती बचाओ। तो वेखण वाली गल है दोस्तों, तुसीं भी महसूस कर सकते हैं कि किन्ना टैंपरेचर इस वक्त दिल्ली दियां बरूहां दे उत्ते होया पिया हैगा, पर फिर भी किसान जिहड़े ने और नौजवान जिहड़े ने बजुर्ग मावां भैणां उस तरीके दे नाल हौसले बुलंद करके जदोजहद कर रही ने। तुहानूं एक वारी संयुक्त किसान मोर्चे की स्टेज वाल भी लैके जाते हैं, अपने कैमरामैन वीर नूं कहांगा कि वह तुहानूं संयुक्त किसान मोर्चे की स्टेज वाल लैके जाते हैं, तुहानूं तस्वीर विखाते हैं। संगतां दा हजूम विखा रहे हैं कि किन्नी गर्मी के बावजूद संगतां जिहड़ियां ने हले भी डटिया हुई ने। सो अज पूरा एक साल हो चुका है ऑर्डीनेंस के रूप के जिहड़े काले कानून जिन्हां नूं केंद्र सरकार ने लागू किया से, और किसानों के मुताबिक वह काले कानून ने। हालांकि सरकार के पक्ष तो गल करिए जे कानून ने यह किसानों के पक्ष के ने, पर अज पूरा एक साल हो चुका है और इन बिलों कापियां भी किसानों ने साड़िया ने। सो कवरेज इसी तरीके जारी रहेगी, जुड़े रहो अकाल चैनल के नाल। फिलहाल कैमरे के उत्ते साथ दे रहे सरदार जजविंदर सिंह, फतेह प्रवान करनी। वाहेगुरू जी का खालसा, वाहेगुरू जी की फतेह।